Hey guys, hi, welcome and welcome back to my YouTube channel Fashion On It, and I'm Gitanjali. So today's video is all about black and blue smoky eye makeup tutorial. So if you are looking for a dramatic blue eye, so this video is for you guys. You can pair this makeup look for Indian as well as Western. Let's get started with the video. But before starting the video, please take a moment to like this video, subscribe to my channel, and you can share with your friends. So I'm starting with the face primer. For face primer, I'm using by NYB primer. This one is silicone based primer, and this one is super easy and super glidable to your face, and this one is really affordable and best for oily skin type peoples. And this foundation hai, ye hai hamara liquid based foundation. Isko main apply kar rahi hu brush se. Aap chahe to sponge tip ki jo sponge hote hain aap unse bhi apply kar sakte ho. Acche se aapke face pe blend ho jata hai. Saath mein ye jo aapko halka sa white lag raha hoga, yes, ye jo shade hai फाउंडेशन का एक शेड लाइट है, बट इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ, जैसे ब्लेंड कर लेती हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छे से मेरे स्किन में मैच हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज भी होता है. तो इसे मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी. अभी आपको व्हाइट व्हाइट लगेगा, बट ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि ऑक्सीडाइज होता है, और फुल मेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके फेस पर लगता है. सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अच्छे से फिक्स हो जाता है आपके फेस पर, बट गर्मियों में ये थोड़ा थोड़ा बह के निकलने लगता है. तो मैं इसको ना प्रॉपर मैट कहूँगी और ना ही प्रॉपर कहूँगी कि लिक्विड है. यहाँ पे कंसीलर के लिए मैंने यूज़ करा है ये स्विस ब्यूटी कंसीलर, क्योंकि थोड़ा सा येलो शेड में है और ये फाउंडेशन ज़्यादा व्हाइट व्हाइट हो रहा था, इसलिए मैंने इसको इसके साथ पेयर करा है. तो अगर आपके पास ये फाउंडेशन है और बहुत ज़्यादा व्हाइट आपके फेस को कर रहा है, या फिर कोई भी फाउंडेशन है, तो आप उसके ऊपर हल्का सा येलोइश कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं येलो टोन में, तो आपका जो फेस है वो ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो इसके मैंने अप्लाई कर लिया है, मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मस्त है. अगर आपने अच्छे से ब्लेंड नहीं करा है बस सर्दियों में, तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा केकी लगने वाला है. मेकअप ऊपर ऊपर चिपका रह जाता है, वो बहुत ज़्यादा खराब लगता है. तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने फेस को मेकअप को बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड कर लो. पहले फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड करो और उसके बाद फिर कंसीलर अच्छे से ब्लेंड करो, जिस तरह से मैं कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा आराम से आपको करना है, पूरे फेस पर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है. जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाया है वहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है, और जहाँ पर कंसीलर नहीं लगाया है वहाँ पे आपको अपने ब्रश में जो बचा हुआ है उसी की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करना है. यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट लिए यूज़ करा है एलर्जिन का कॉम्पैक्ट. इसे मैं अपने फेस से सेट कर रही हूँ हल्का, बहुत ही ज़्यादा हल्का, बिल्कुल भी मैट नहीं करना है कि फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है. कि एक के ऊपर एक हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा हल्का सा लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट, और जिससे मेरा फेस जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है. मैंने आई शेडो पैलेट लिए यहाँ पे यूज़ करा है, जैकलिन हिल का आई शेडो पैलेट. तो इससे मैंने लिया है ब्लैक कलर, और इसे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा अच्छे से फिल हो जाती हैं, मेरी थ्रेडिंग नहीं बनी हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रही है, बट स्टिल मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से फिल कर लिया है अपनी आईब्रोज को. तो अगर आपकी आईब्रोज भी अच्छे से बनी हुई नहीं है, तो आप इस ट्रिक के साथ अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर सकते हो. बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा ऑसम लगती हैं. मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया, इसे मैं एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन के ऊपर ऊपर, जिस तरह से आप देख सकते हो. बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा डार्क और पिगमेंटेड कलर है ये जो ब्राउन कलर है. फॉल आउट इसमें नहीं हो रहा है उतना, इसके कुछ शेड में फॉल आउट हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा है. तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर लिया है, और आप देख सकते हो किस तरह से मैंने करा है. लास्ट मैंने हल्का सा विंग बनाते हुए करा है, ताकि जो कॉर्नर की साइड से वो बिल्कुल भी पैची और बिल्कुल मैस ना लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से लगे. तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया. एक ब्रश की हेल्प से बस आपको हल्के हल्के हाथों अपने आई शेडो को ब्लेंड करना है, जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट लगेगा. उसके बाद मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से ये ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूं अपनी आईलिड पर, और आपको बिल्कुल भी कोई कट क्रीज वगैरह की जरूरत नहीं है. सिंपली इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ब्लू कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, हल्की सी शीन भी, हल्की सी शाइन है, प्रॉपर मैट नहीं है. तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक लग रहा है मुझे इस तरह से, और इससे आइज जो है वो बहुत ज़्यादा बिग भी लग रही है. ये मेकअप लुक ना आपके इंडियन और वेस्टर्न दोनों पर बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा. तो आपकी किसी भी टाइप की ड्रेस हो बहुत ज़्यादा अच्छे से फिट होगा. अब मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से कर रही हूँ. आप देख सकते हो मैंने कोई भी कंसीलर नहीं अप्लाई करा, फिर भी कितना ज़्यादा अच्छा लुक आया है. यहाँ पर मैंने लाइनर के लिए यूज़ करा है ब्लू हेवन का लाइनर है, इसे मैंने न्यू ही मंगवाया है. काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है. अगर आप इसको पतला लगाना चाहते हो तो पतला लग रहा है, एंड थोड़ा सा प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हो तो उस तरह से बिहेव कर रहा है ये. तो उसकी बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसे मैंने एक विंग लाइनर क्रिएट करा है. एंड अपने आउटर वी पर मैंने हल्का सा विंग बना लिया है, लाइक वी सा बना लिया है, वी शेप, और उसमें हर पूरी तरह से इस लाइनर को फिल कर दिया है 1/3 पे. सो इस तरह से फिल करने के बाद मैंने पूरी तरह से अपने फिल कर लिया है. दोनों आईज पर मैं इसी तरह से करूँगी, ताकि अच्छे से एक वी शेप बन जाए और बहुत ज़्यादा अच्छा सा ब्लैक लुक मिले, जो कि हमें एक तरह से हमें आई शेडो से नहीं मिल पाता है. तो इस तरह से करा है मैंने, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड अगर आप लोग भी करोगे तो इससे आपकी जो आईज़ हैं वो ज़्यादा बिग लगेंगी और आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. अब मैंने अपनी फ्लैट ब्रश में ही ब्लैक कलर लिया है, और इसे मैं हल्का सा इसमें लगा के
हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, हल्का हल्का सा स्मच कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो लाइनर हमने लगाया है इससे बहुत ज़्यादा हार्श एजेस बन रही थी और फिर ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो सिमिलर दिखाने के लिए और सिंक्रोनाइजेशन दिखाने के लिए, ताकि आपका जो आई लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडेबल लगे, इसलिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इनर कॉर्नर पर हल्का हल्का सा विंग बनाया है मैंने, तो इस तरह से करने के बाद आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ऊपर करते मैंने हल्के से ब्लेंड कर लिया अपने सेम फ्लैट ब्रश की हेल्प से। आप चाहें तो फ्लफी ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट अगर आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से करोगे तो आपके आई मेकअप पे आपका कंट्रोल रहेगा और आपका जो आई मेकअप है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से करने के बाद मेरा आई लुक ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, आई सेड ऑलमोस्ट। अब मैंने इसमें अब ब्लैक कलर लिया है और अपने लैश लाइन पे हल्का हल्का स्मोक आउट कर रही हूँ। मैं कोई काजल वाजल अप्लाई नहीं कर रही, मुझे पर्सनली काजल लगाना उतना पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप काजल भी अप्लाई कर सकते हो। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का मस्कारा और इसे मैं अपने लोअर लैशेज को कर्ल को और कोट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं कोट और कर्ल करूँगी अपने अपर लैशेज। उसके बाद मैंने फेस पैलेट लिया है, तो इससे मैं अपने चीक बोन्स को हल्का हल्का सा कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा एक पैलेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी फेस पैलेट में, तो आप एक बार इस पर ट्राई करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह से कर लिया है मैंने। उसके बाद सेम पैलेट में से मैंने ब्लश लिया है और इसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पर। अब जिस तरह से आप देख रहे हो उस तरह से मैंने अप्लाई करा है, हेयर लाइन तक जा रही हूँ मैं अपने ब्लश को लेकर, और दोनों को मिक्स करके मैंने अप्लाई करा था कि जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सटल आए, क्योंकि हमारा आई मेकअप थोड़ा सा हैवी है तो हम नहीं चाहते हमारा पूरा फेस पे हैवी हैवी मेकअप हो। अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल कर रही हूँ और ये मेरी ट्रिक है, मुझे इसी तरह से करना पसंद है। अगर आप लोग भी इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी आपकी नोज़ कॉन्ट्रोल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी शेप मिलेगी, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। सेम पैलेट में से मैंने हाइलाइटर लेके अपनी नोज को हाइलाइट कर रही हूँ। उसके बाद अपनी चीक बोन्स को करूंगी, क्यूपिड्स बो, चिन, यूजली एरियाज जो हमें हाइलाइट करने होते हैं वहाँ पे मैंने हाइलाइट कर लिया। इसका हाइलाइटर बहुत सटल है, डे और नाइट दोनों में परफेक्ट जाता है। स्टेक और की का लिप क्रियॉन लिया है, उसे मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई करा है। गाइज आई होप आपको ये मेकअप जो लुक है बहुत पसंद आ रहा है, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस मेकअप लुक तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर मी एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। So, see you in our next video.